हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति प्रकाश मैथमेटिक्स में। मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप वीडियो में देख रहे हैं नंबर सिस्टम का क्लास। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 33 नंबर क्वेश्चन तक बनाया था, तो चलिए आगे हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक्स और वाई दो पूर्णांक इस प्रकार है कि रूट अंडर एक्स वाई इक्वल टू 10, यानी आपको ये दिया गया है एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ये रूट अंडर बराबर के इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, यानी कि इस तरह बाएं तरफ है, इधर दाहिने तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर रूट था इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये आपका एक्स इंटू वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। फिर आपका आगे क्या बोल रहा है, तो एक्स प्लस वाई का मान कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है। तो आपको प्रश्न ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से एक्स प्लस वाई का कौन सा मान नहीं हो सकता है, तो आपको चार ऑप्शन कौन कौन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है आपका 25, तीसरा है 29 और चौथा है 50। चलिए, तो हम x इंटू वाई है और ये x प्लस वाई का मान इस चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो x प्लस वाई का मान इस चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम देखिए क्या करते हैं। तो x यानी कि x और y को गुणा करने पे 100 आना चाहिए और x और y को जोड़ने पर क्या 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए कौन सा नहीं हो सकता है, ये बोला है आपको, चार ऑप्शन है। तो हम ऐसा क्या ब्रेक करें ताकि दोनों को गुना करने पर आपका क्या आ जाए, 100 आ जाए, ये दोनों को एक्स वाई को गुना करने पर और एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो हम ब्रेक कर सकते हैं 10 और 10 में। तो अगर इस ऑप्शन से जाए तो एक्स बराबर अगर 10 ले और वाई बराबर भी अगर 10 ले तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 20 आ जाएगा और एक्स इंटू वाई दोनों को गुना करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यानी ये सही है। तो आपको कौन सा नहीं होगा ये पता करना है, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये सही है, यानी कि नेक्स्ट आपका क्या है, 25। 25 को क्या करेंगे, इसको क्या ब्रेक करने पर ऐसा दो भाग में ब्रेक करना है ताकि दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम बोल सकते हैं ये 20 एंड वाई इक्वल टू 5, तो इससे क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा और एक्स इंटू वाई 20 25 100 आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है, यानी कि आपका उत्तर ये भी नहीं होगा क्योंकि आपसे बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई कौन सा नहीं होगा, तो ये भी होगा। फिर देखते हैं 29, क्या 29 को ब्रेक किया जा सकता है, तो एक्स इक्वल टू अगर 25 ले ले एंड वाई इक्वल टू अगर 4 ले ले तो एक्स प्लस वाई 25 4 29 आ रहा है और एक्स इंटू वाई 25 चौका 100 100 भी आ रहा है, यानी कि ये भी, तो ये तीनों नहीं होगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बच गया यही होगा, यानी इसको दो भाग में ब्रेक नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर इसको 25 25 में ब्रेक करेंगे तो 25 प्लस 25 50 आ जाए, लेकिन 25 गुने 25 100 नहीं आएगा, या 30 और 20 में भी ब्रेक करेंगे तो 30 20 50 आ जाएगा, लेकिन 30 गुना 20 100 नहीं आएगा, या आपको मान लीजिए कुछ भी ब्रेक कर लीजिए ना, 10 प्लस 40 लीजिए तो 10 गुने 40 आपका 100 नहीं आएगा, 400 आ जाएगा, और 10 प्लस 40 50 आएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा, इसीलिए आपका ये गलत है, यानी कि यही आपका उत्तर सही होगा, यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, यानी कि आपका ये डी नंबर, यही उत्तर आपका सही होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कौन सा मान नहीं होगा, तो ये तीनों मान होगा तो कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी यही उत्तर होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। कल पिछला क्लास में हमने 33 तक किया था, ये 34 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न आपका क्या है। थर्टी फाइव नंबर प्रश्न बोल रहा है, इसमें फॉर्मूला का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमको एक वैल्यू दिया हुआ है इसीलिए हम यूज नहीं करेंगे। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस
टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये प्लस कहाँ तक आ गया है, 10 का क्यूब बराबर ये दे दिया है आपको कितना, 325। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये 2 का क्यूब प्लस 3 सॉरी 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस इसी तरह कहाँ तक गया है आपका, डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, यानी इतना बराबर ये 325 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इतना बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, डायरेक्ट ये पूछता, तो भी हम फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन जब ये दे दिया है प्रश्न में, तो हम इसका यूज करके हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब को, सो पहले बताइए। तो 2 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको फिर 4 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा ये क्या, 2 दूना 4 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, सजा के लिखें। फिर इसी तरह इसको भी क्या लिखेंगे, डॉट 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 इसी तरह जाएगा, तो ये 10 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करने पे 10 दूना 20 का क्यूब आ जाएगा। किस तरीका से, इससे ए के पावर एम गुना बी का पावर एम, इस तरीका से, अगर पावर समान हो तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, तो इतना बराबर क्या होता है, ए गुना बी के पावर एम, ये आपको मालूम होगा। पावर समान है तो ये गुना आपस में किया जा सकता है, तो वही पावर समान है तो 10 दूना 20 का क्यूब बोल सकते हैं, तो वही ब्रेक किए हम। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब कॉमन है टोटल संख्या में, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे हम, 2 का क्यूब, तो आपका क्या बचेगा, ये 1 का क्यूब प्लस ये आपका बचेगा 2 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब, इसी तरह कहां तक जाएगा, ये 10 का क्यूब तक, 2 का क्यूब तो कॉमन ले ली, तो ये क्या जाएगा, 10 का क्यूब तक जाएगा आपका, ये मिटा देते हैं, 10 का क्यूब तक जाएगा। तो अब देखिए ये 2 का क्यूब यानी ये 2 का क्यूब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इंटू, अब ये दिया हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक है, 10 का क्यूब, इसका वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 325, तो हम बोल इसके जगह लिख सकते हैं 325। अब तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 यानी कि 24, 200 यानी ये 8 पचे 40, 4 4 दूना 8 2 1 मिनट सॉरी, 8 पचे 40, 4 8 दूना 16 4 20 सही है, 8 3 24 सही है, यानी 24,200 आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरीका से है, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा इसमें डेसिमल मिक्स कर दिया है, तो देखते हैं ये प्रश्न कैसा है। आप लोग कॉपी कलम में नोट, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, जो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपको लगा होगा या ऐसा भी कुछ प्रश्न होगा जो आप पहले से बनाए हुए होंगे आपसे बन गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो तरीका बताए होंगे वो तरीका आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ ये तरीका से और थोड़ा इजी में हो जा रहा है, तो ठीक है उस तरीके, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि अगली बार से जब भी आप बनाएं तो वही तरीका का यूज करें जो तरीका आपको आसान लगे। तो चलिए आपका 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें भी वही है, ये दिया हुआ है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक का, 9 का स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 285, 285 ये दे दिया है, तो मान किसका पूछ रहा है, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक गया है, ये 0.99 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि ये दे दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं इसका उत्तर निकालने में इसका यूज करेंगे हम लोग,
तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो इसको ऐसा लिखना है कि कॉमन आने के बाद ये सीरीज बन जाए, जैसे पीछे के प्रश्नों में हमने देखे हैं 35 नंबर प्रश्न में। तो हम इसको क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 11/, इसको तो बोल सकते हैं 11/100, ये डेसिमल अगर ब्रेक करेंगे तो 11/100 जो ये 22/100, ये तो सिंपल है क्योंकि डेसिमल के बदले हम लिख रहे हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो 22/100 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये 99/100 इसका स्क्वायर यहाँ तक का जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको बोल सकते थे देखिएगा 11/100 इसी में ×1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या बोल सकते थे 11/100 × 2 का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, इसको फिर तो आ जाएगा 11 × 2 = 22/100 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ये प्लस ये फिर क्या करेंगे 11/100 × 9 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका क्या आ जाएगा फिर 11/99/100 का होल स्क्वायर, फिर वही आ जाएगा। अब क्या होगा इसमें, अब इसको अलग अलग तो लिख सकते हैं ना, जैसे इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये 11/100 का होल स्क्वायर गुने 1 का होल स्क्वायर जोर, फिर ये क्या हो जाएगा 11/100 का होल स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर, ये अलग अलग बोल सकते हैं ना, इसमें अभी जैसे पीछे अभी बताया कि ये गुना हो सकता है क्योंकि पावर समान है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 × 3 का पावर 2 तो इसको अलग अलग तो लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, अलग अलग तो ब्रेक कर सकते हैं, जो अभी हम बताए कि a × a के a × अगर मान लीजिए b इसके पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर m × b के पावर m, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही तरीका से हम किए, इस टोटल पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर गुना इस पे स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको भी लिख सकते हैं कि इस टोटल पे स्क्वायर है यानी कि इस पे स्क्वायर 11/100 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, तो प्लस में डॉट 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 ये आप कर दीजिए 11/100 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब टोटल में क्या कॉमन दिख रहा है, ये 11/100 का स्क्वायर इसमें भी है, पहले तो देखिए टर्म है, एक टर्म ये है, टर्म तो हम बताए हुए निकालना है कि टर्म कैसे काम करते हैं, एक टर्म ये है क्योंकि प्लस और माइनस साइन से टर्म का बंटवारा होता है, हम बताए हुए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसी तरह बहुत सारा टर्म बीच में भी है, फिर एक टर्म ये भी है, ये टोटल टर्म है, तो इस टर्म में क्या कॉमन है, तो इस टर्म में 11/100 का स्क्वायर, इस टर्म में भी है 11/100 का स्क्वायर, इस टर्म में भी है 11/100 का स्क्वायर, यानी हम कॉमन ले सकते हैं 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये डॉट 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 ये 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 9 का स्क्वायर तक जाएगा, ये आएगा। तो अब देखिए ये तो हमारा ये सीरीज बैठ गया, यानी कि ये इतना का वैल्यू दिया हुआ है 285, तो हम अब क्या कर सकते हैं, इतना बराबर तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि कॉमन ले लिए हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर 121 और 100 का स्क्वायर यानी कि 1 पे 4 0 यानी कि 10,000, तो 121/10,000 इधर लिखते हैं, तो बोल सकते हैं 121/10,000 × इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 285, कितना दिया हुआ है 285 ये दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम अब ये इधर मिटा देते हैं, क्योंकि इधर लिखेंगे आपको नहीं दिख पाएगा, तो हम यहाँ से ये ऊपर मिटाते हैं, यही लिखेंगे क्योंकि अब तो क्वेश्चन बन गया ना, केवल ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दीजिए आंसर आ जाए, यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन,
चलिए, तो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो ऑप्शन से क्या छोटा सा कैलकुलेशन है बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे देख लीजिए ये कितना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 121 बटे आपका है 10,000 × 285। तो हम इसको देखिए ना, इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो ये 3 अंक का गुना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इजी करने के लिए, अगर आपको अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि इसको क्या लिख दे, 121 को 11 × 11 11 × 11। इससे क्या होगा कि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 285 में, और जो आएगा फिर 11 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो हम इसको क्या करेंगे, तो अगर 285 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ये लिखते हैं, ये देखिए 285 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 × 8 = 88, 88 और 5 = 93, 93 का 3, कैरी 9, 11 × 22, 22 और 9 = 31, यानी 3135 आ गया, इतना गुने 11। फिर एक बार और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना, एक बार और इतना का मल्टीप्लाई 3135, फिर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार करना है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 × 3 = 33, 33 और 5 = 38, कैरी 3, 11 × 11 = 3 = 14, कैरी 1, 11 × 33 = 34, यानी इतना आ गया। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई आ गया आपका, ये 344 = 85, और ये बट्टे में 10,000, तो 10,000 नीचे 4 0, यानी 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो हम बोलेंगे 3.4485, यही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन में ये। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, सोचने का तरीका कि किस तरीका से किसी भी, मतलब जो भी सोल्यूशन, देखिए आप बना तो लीजिएगा टोटल, जैसे छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन जैसे कैसे करें, मतलब अब 21 से कर 121 से करने लग जाइएगा तो हो सकता है टाइम लग जाए थोड़ा सा, तो किस तरह ब्रेक करके करेंगे ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका देखते हैं, 37 नंबर। अच्छा, इस तरह का प्रश्न हम पीछे बताए भी हुए हैं, 37 नंबर। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे पहले कोई भी संख्या होगा, मान के चलिए कि एक संख्या ए और दूसरा संख्या बी, तो ये दोनों के वर्गों का अंतर, एक संख्या है ए और दूसरा संख्या बी, तो ए का वर्ग यानी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये दोनों के वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो अंतर बराबर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं ए प्लस बी और इंटू में होता है ए माइनस बी, ये आप जानते हैं भली भांति। तो अब क्या होगा, अगर दो लगातार, क्या बोला है, दो क्रमागत सम संख्या, तो दो क्रमागत सम संख्या यानी लगातार में चाहे जो भी नंबर है, अगर एक है 12 तो दूसरा है 10, एक है 14 तो दूसरा है 12, एक है मान लीजिए कि 104 तो दूसरा होगा 102, तभी तो दो लगातार क्रमागत सम संख्या होगा ना, क्योंकि ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, दो लगातार, या तो इसको 102 लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, 102 104, अगर मान लीजिए एक होगा 112 तो दूसरा क्या होगा 114, यही ना होगा, यानी कि दो लगातार सम संख्या लेना, तो दो लगातार सम संख्या, तो अब बताइए यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे कोई संख्या, और ये दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या, तो दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर दो होगा, क्योंकि सम संख्या है, तो ये कोई भी संख्या लीजिएगा, देखिए ना दो लगातार सम संख्या, तो अंतर कितना का आएगा, दो का आएगा, अंतर कितना का आएगा, दो का आएगा। तो चूंकि जब कोई दो नंबर है, दो लगातार सम संख्या है, तो
एक सम संख्या एक्स होगा और दूसरा सम संख्या मान लीजिए वाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा और इंटू आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो ये जब दो लगातार संख्या है तो जब ये दोनों के अंतर, ये दोनों संख्या का अंतर एक्स माइनस वाई जब निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई ऑलवेज क्या आएगा, दो आएगा, ये तो फिक्स है क्योंकि दो लगातार सम संख्या है। तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया आपका, ये गुना दो और ये एक्स प्लस वाई रहेगा और ये आपको दिया हुआ है दो लगातार दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे दिया है। ये कितना, ये दो लगातार क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 ये दे दिया है, तो 84 दे दिया है। और ये चूंकि दो लगातार सम संख्या का अंतर कितना होता है, दो, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये दो से ये कटेगा, कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, दो से ये 42 बार में, यानी x प्लस वाई बराबर 42, यानी x प्लस वाई बराबर 42। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कुछ नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, फिर से समझ लीजिए ना इसको एक बार। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे बोल रहा है कि दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या रहेगा, कोई भी संख्या दो लगातार लीजिएगा तो वर्गों का अंतर तो हमेशा बड़ा में से छोटा लेना है। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या अपना मन से मान लीजिए, मान लीजिए कि एक ले लिए हम 52 और एक ले लिए 50, तो ये दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्ग का अंतर यानी कि ये 52 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार लिख सकते हैं ना 52 प्लस 50, और फिर इंटू में लिख सकते हैं ये 52 माइनस 50, यानी तो जब दो लगातार सम संख्या है तो ये तो ऑलवेज क्या आएगा, दो ही आएगा ना, ऑलवेज दो आएगा वहां पे। तो इसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि दो लगातार कोई सम संख्या लीजिएगा तो उसके वर्गों का अंतर 84 आ रहा है, और ये तो हमको पता ही है, तो दोनों संख्या का योग नहीं निकल जाएगा, ये तो यही तो निकल गया, तो इससे भाग दे दिए, बस सिंपल। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है कुछ, तो देखिए 38 नंबर प्रश्न। यदि पांच क्रमागत पूर्णांकों का योग, पांच क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो, तो अब मान लीजिए पांच क्रमागत कोई पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, तो एक संख्या ले लीजिए x, तो पांच लगातार संख्या क्या होगा, पांच लगातार पूर्णांक आपका, तो एक लिए एक्स तो दूसरा होगा एक्स प्लस वन, फिर क्या होगा एक्स प्लस टू, फिर क्या होगा एक्स प्लस थ्री, फिर क्या होगा एक्स प्लस फोर, यानी पांच लगातार संख्या हो गया, एक दो तीन चार और पांच, पांच लगातार सम संख्या, सॉरी पांच लगातार पूर्णांक, तो पांच क्रमागत पूर्णांक और इसका योग दे दिया है आपको कितना, एस दे दिया है। तो अब बताइए तो ये क्या कर सकते हैं, तो आपसे पूछ रहा है तो बड़े पूर्णांक का मान, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स प्लस फोर बराबर क्या होगा, किस फॉर्मेट पे बोल रहा है, एस के पद में बताइए। तो सबसे पहले हम ये सब का जोड़ निकाल सकते हैं, तो जोड़ निकालने के लिए ये क्या करेंगे, एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस, फिर ये एक्स प्लस वन, फिर प्लस ये एक्स प्लस टू, फिर प्लस ये एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस ये एक्स प्लस फोर, ये टोटल का जोड़, और टोटल का जोड़ आपको दे दिया है कितना, एस, इतना बराबर एस दे दिया है। तो ये एक दो तीन चार पांच, यानी पांच एक्स प्लस, एक्स तो हो गया ना, एक दो तीन चार पांच, अब बच गया एक और दो, तीन और तीन छ और चार 10, यानी कि इतना प्लस 10 बराबर क्या हो गया, एस बोल सकते हैं, क्योंकि ये पांचों संख्याओं का योग आपको प्रश्न में दिया है कि एस है, तो इतना, तो सब पांचों को जोड़ दिए तो इतना बराबर एस। तब यहां से क्या बोल सकते हैं, तो ये 5x बराबर बोल सकते हैं, ये एस माइनस 10, एस माइनस 10 बोल सकते हैं, तो फिर ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा, एस माइनस 10 बट्टे ये 5 बोल सकते हैं, x का वैल्यू आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये संख्या बताइए पांचवा संख्या आपका क्या होगा, तो पांचवा संख्या आपका एक्स प्लस फोर है, और एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए हैं, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एस माइनस 10 बट्टे 5 प्लस फोर,
तो अब एलसीएम लेंगे तो नीचे में आपका आ जाएगा, ये नीचे में 5 होगा और ऊपर में होगा एस माइनस 10 और ये प्लस, ये 5 चौका 20, ये जाएगा तो बराबर, ये -10 और ये +20 तो ये घटेगा, तो एस +10 तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, ये लिखते हैं तो ऊपर में हो जाएगा आपका एस +10 और ये बटे नीचे में 5, यही आपका उत्तर होगा, एस +10/5, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई कंफ्यूजन तो एस के फॉर्मेट में बताएंगे, क्योंकि हमारा कोई भी रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ये एस एस के फॉर्मेट में हो गया, एस के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्लास और बचेगा आपका नंबर सिस्टम का, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, या तो अलजेब्रा नहीं तो ज्योमेट्री, और नहीं तो अगर बोलिएगा तो ये नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, इसमें बहुत सारा जो सिलेक्टेड छोटा छोटा टॉपिक है उसको भी खत्म कर देंगे उसके बाद, ये नंबर सिस्टम के बाद अगर बोलिएगा तो, या ये निकालना इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती, भारतीय संख्या पत्ती, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या होता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और अपने यहाँ क्या होता है भारतीय संख्या पत्ती, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह काम करते हैं, तो ये सब भी हम खत्म कर देंगे नंबर सिस्टम का ही, अगर बोलिएगा तो आप लोग, नहीं तो फिर हम आगे ज्योमेट्री या अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। चलिए 39, जैसे आपको अगर कोई बोल दे मान लीजिए कि 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, तो बताइए कितना जीरो होगा 5 ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, आप मिलियन में ही बताइए, मिलियन में तो बता दीजिएगा, तो 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होगा, तो 12 जीरो होगा, कितना जीरो होगा 12, 5 ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन को एक और नाम बोल सकते हैं, 5 ट्रिलियन को बोल सकते हैं 5 लाख करोड़, क्या बोल सकते हैं 5 लाख करोड़, 5 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो ये सब मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सब पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि पेपर में जब हम लोग लिखा हुआ देखते हैं इतना ट्रिलियन डॉलर, इतना लाख करोड़, तो कितना जीरो होता है क्या हुआ कुछ नहीं पता चल पाता है, लेकिन अगर जानकारी रहे तो अच्छी बात है। चलिए तो 39 नंबर, तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे, तो ये तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और ये एक्स मान करके भी बना सकते हैं, तो तीन की तीन क्रमागत गुणज, तो तीन का कोई भी तीन क्रमागत गुणज लीजिएगा, तो मान लीजिए कि तीन का कोई गुणज एक्स है, तो अगला नंबर क्या होगा, तीन का क्रमागत लेना है मतलब कि लगातार में तीन का मल्टीपल लेना है, तो अगर ये तीन से कटने वाला संख्या है तो अगला नंबर क्या होगा जो तीन से कटेगा, तो अगला नंबर एक्स प्लस तीन होगा जो तीन से कटेगा, जैसे बोलेंगे 5 से कटने वाला, तो 20 जो है सो 5 से कटने वाला है, तो अगला नंबर क्या होगा जो 5 से कटेगा, तो ये 20+5, फिर अगला नंबर क्या होगा जो 5 से कटेगा, तो ये फिर हो जाएगा क्या ये 20+10, फिर अगला नंबर क्या होगा जो 5 से कटेगा, तो 20+15, ये मतलब 5 बढ़ाते जाते हैं, तो ये एक्स एक्स प्लस तीन और ये एक्स प्लस छ, यानी कि ये क्या होगा, ये तीनों नंबर क्या, ये तीन से कटने वाला तीन लगातार संख्या है और इसका योग दे दिया है 99, तो बोल सकते हैं एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 99, तो ये बोल सकते हैं 1 2 3, यानी 3x+ ये 6 3 9 बराबर 99, तो आपका ये हो जाएगा 3x=99, में से ये 9 उधर जाके घटेगा तो बन जाएगा 90, तो ये x बराबर आपका ये 3 से कटेगा 30 बार में, यानी x बराबर 30 आ गया, तो x बराबर 30 तो ये हो जाएगा x+3, यानी ये हो जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा आपका 36, ये तीनों आपका 30 33 और 36, ऑप्शन नंबर 3 आ गया उत्तर। चलिए बाई ऑप्शन भी बना सकते थे, तीनों को जोड़ करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या,
नेक्स्ट भी उसी तरीका का है। हम ये असाइनमेंट जो है ना उसी तरह अरेंज ही किए हुए हैं ताकि एक दूसरे से रिलेटेड रहे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए। देखते हैं 40 नंबर, आपका 40 नंबर दिया है, चार चार संख्या दिया है, बोला है ये क्रमागत है, यानी कि ये दे दिया है आपका 2x-13, फिर दे दिया है 2x-11, फिर दिया है 2x-9, फिर दिया है 2x-7। तो बोल रहा है ये चारों जो संख्या है क्रमागत है, कैसा क्रमागत संख्या है, सम ऑप्शन चार है, चार सम संख्या मतलब ये क्रमागत सम संख्या है, या क्रमागत विषम संख्या है, या क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, या क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो अब बताइए एक्स का यहाँ कुछ भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए निगेटिव में नहीं लीजिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 10 लेते हैं, तो अगर ये 10 लेते हैं तो ये 10 दूना 20, तो यहाँ पे एक्स का अगर वैल्यू 10 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, यानी कि ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, या 9 भी लीजिएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 18, यानी कि इवन नंबर में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, या तो एक्स एक इवन नंबर लीजिए या एक ऑड नंबर लीजिए, ये ऑलवेज क्या आएगा आपका, ये एक इवन नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर सम संख्या। दो में किसी भी संख्या को गुना कीजिए, दो में किसी भी संख्या को गुना कीजिए, एक को गुना कीजिए, दो को, तीन को, पांच को, सात को, नौ को, किसी भी संख्या को, या तो वो सम संख्या को गुना कीजिए या विषम संख्या को, जो रिजल्ट आएगा दो से गुना करने पर वो आपका एक सम संख्या एक इवन नंबर ही आएगा। तो यानी कि एक्स का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये एक इवन नंबर, और इवन नंबर में से ऑड नंबर घटाएंगे, इवन नंबर में से एक ऑड नंबर, सम संख्या में से एक विषम संख्या घटाएंगे तो ऑलवेज एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा, कैसा संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। वही एक्स का मान यहाँ भी रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऑड नंबर ही यहाँ भी प्राप्त होगा, यानी हर जगह क्या होगा आपका, ऑड नंबर प्राप्त होगा। तो पहला तो होगा नहीं कि सम संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, एक मिनट, प्राकृतिक संख्या, तो चलिए प्राकृतिक संख्या पहला नंबर तो सम संख्या नहीं होगा, दूसरा विषम संख्या, विषम संख्या होगा, फिर देखते हैं तीसरा प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं। तो अगर हम एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेते, या मान लीजिए एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लेते 5, तो एक्स का वैल्यू 5 लेते तो 5 गुना 10 में से 13 जाता तो माइनस में आता, तो माइनस में आता तो निगेटिव क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। देखिए ना अगर एक्स का वैल्यू 5 लेते तो 5 गुना 10 में से 13 गया तो -3, -3 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, यानी कि ये आपका तीसरा नंबर भी गलत हो गया। चौथा नंबर अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या आएगा, तो नहीं, अभाज्य संख्या हमेशा नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 10 ही लेते हैं, या ले लीजिए 15, यहाँ पे ही ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे 8, 8 ले लेते हैं, तो 8 दूना 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन जाएगा, यानी कि ऑलवेज विषम संख्या ही आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है, क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या रखना है, तो एक्स का वैल्यू रखने के लिए आप स्वतंत्र है, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे। तो अगर 1 2 3 अगर मान लीजिए 4 5 अगर रखते हैं तो ये यानी कि 13 से छोटा वैल्यू आएगा तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या तो होने का कोई बात ही नहीं, तो प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, सम संख्या होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होता है, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या ऑलवेज आएगा नहीं, यानी कि जब होगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा होगा। फिर देखते हैं 41 नंबर, आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, फिर वही आ गया 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो जैसे अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में 3 के लगातार 3 क्रमागत गुणज का योग 39 नंबर उसी तरीका से था, तो 7 के 3 लगातार गुणज, तो एक हो गया एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लगातार संख्या में जो 7 से कटने वाला हो, एक्स प्लस 7, तो फिर तीसरा क्या होगा, एक्स प्लस 14,
तो इसका योग दे दिया है 777, यानी ये तीनों का योग दे दिया है, एक्स प्लस 7 प्लस ये एक्स प्लस 14 बराबर दे दिया है आपको 777। तो ये आपको क्या होगा, 1 2 3 3x प्लस ये 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21, 21 इक्वल टू हो जाएगा 777। तो इतना बराबर क्या बोलेंगे, 3x बराबर ये 777 माइनस ये 21 घट जाएगा उधर जाएगा, तो ये 3x इक्वल टू आपका ये कितना आ जाएगा, ये 756, 756। तो x बराबर 3 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 से ये 3 5 सॉरी 3 2 6 1, 3 5 15, 3 2 6 यानी x बराबर आपका 252 आया। तो सबसे छोटा संख्या यानी x ही सबसे छोटा संख्या है, तो x का वैल्यू यानी ये आ गया 252, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहला उत्तर। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 42 नंबर। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इस संख्याओं का न्यूनतम संभव योग होगा। तो ये तो मेंटली कैलकुलेशन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी x इंटू वाई को दो पूर्ण संख्या होगा उसका गुणनफल दे दिया है 24। तो इन संख्याओं का न्यूनतम संभवता योग क्या होगा, यानी कि x इंटू वाई दिया है 24, तो x और y का क्या मान लेना चाहिए ताकि ये x प्लस वाई का एकदम न्यूनतम सबसे छोटा से छोटा वैल्यू है। ऑप्शन तो के हिसाब से तो 10 12 8 9 4 दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए कि x बराबर हम 1 लेते हैं और y बराबर 24, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 1 गुना 24 24 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अगर x का वैल्यू मान लीजिए 2 लेते हैं और y का वैल्यू 12 लेते हैं, तो दोनों को गुना करने पर 24 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा, 14 आएगा, मतलब इससे ये छोटा है। तो बोला है सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा वैल्यू वही हो सकता है जो ये दोनों का अंतर जितना कम से कम हो, जितना ये ज्यादा अंतर लीजिएगा ना उतना बड़ा वैल्यू आएगा, और जितना अंतर कम लीजिएगा उतना छोटा। तो और अंतर हम कम क्या ले सकते हैं, और अंतर कम, तो ये दो 12 लिए, 3 8 अगर लेंगे तो 3 8 लेंगे तो 3 8 24 सही है, लेकिन 3 प्लस 8 जब जुड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 11 आएगा। क्या इससे भी और छोटा ले सकते हैं, ले सकते हैं, 4 और 6, 4 गुना 6 24 आएगा, और 4 और 6 को जुड़ेंगे तो 10। क्या इससे छोटा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, अब तो इससे छोटा कुछ आएगा ही नहीं क्या। तो यानी कि आपका उत्तर जाएगा 10, न्यूनतम संभवता योग। यानी कि देखिए ये दोनों के बीच का अंतर जितना कम लीजिएगा ना उतना ये छोटा वैल्यू आएगा, जैसे जैसे ये दोनों का अंतर बढ़ते जाएगा बड़ा वैल्यू आएगा। ये दोनों का अंतर 2 है तो 10 आया, दोनों का अंतर 5 है तो कितना रहा, 11। फिर ये दोनों का अंतर देखिए, यहाँ 10 है तो 24, यहाँ 23 है तो ये देखिए ये 14, ये 25, मतलब बढ़ते जा रहा है, यानी जितना अंतर कम। तो आप पहले ही डायरेक्ट सोच सकते थे 4 गुना 6 24, तो 4 6 10, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए बी और सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि ए लेस देन बी लेस देन सी और लेस देन 0। यानी कि ए जो है 43 नंबर आपका प्रश्न है, ए जो है बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है और सी जो है 0 से छोटा है, यानी कि ये तीनों वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, पहला ऑप्शन आपका दे दिया है ए प्लस, तो देखिए ना, तो ये तीनों तो हम कुछ भी वैल्यू एक मान लेते हैं, ये सबसे छोटा वैल्यू, तो ये मान लीजिए कि ये -5 ले लेते हैं ए बराबर, फिर ये बी बराबर ले लेते हैं -4,
और ये सी बराबर ले लेते हैं माइनस तीन। तो देखिए, तो यानी कि ये सी जो है आपका क्या है, 0 से छोटा है, ये बी जो है इससे भी छोटा है, ये है इससे भी छोटा है। तो ले लीजिए एक एग्जाम्पल, तो इससे आप ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया है ए प्लस सी जो होगा बी से छोटा होगा, यानी ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यानी ए प्लस सी दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आठ, सॉरी ए प्लस सी है ना, हाँ ए प्लस सी बी से छोटा होगा, तो ये माइनस माइनस पांच, और जोड़ना है किसको, माइनस तीन को, तो ये किससे छोटा होना चाहिए, माइनस चार से। तो ये यानी कि माइनस आठ जो होगा क्या माइनस चार से छोटा है या नहीं है, यानी कि ये सही है। कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ए गुना बी बोल रहा है क्या सी से छोटा है, तो ए गुना बी, तो ए और बी, तो माइनस पांच में माइनस चार से गुना करेंगे, माइनस पांच में माइनस चार से गुना करेंगे तो क्या ये सी से माइनस तीन से छोटा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस 20 माइनस तीन से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, तो ये होगा ही नहीं। हमारा तो पहला ही उत्तर सही हो गया, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ऑप्शन चेक करेंगे, अभी सीखना है हम लोग को। ए प्लस बी अगर बी से बड़ा है, ये बोल रहा है, सॉरी ए प्लस बी सी से बड़ा, तो ए प्लस बी यानी ए लिए माइनस कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, बस ये रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि ए का वैल्यू ऐसा लेना है जो बी से छोटा हो, बी का वैसा वैल्यू लेना है जो सी से छोटा हो, और सी वैसा लेना है जो 0 से छोटा हो, यानी ये 0 से छोटा ये लेना है, इससे छोटा ये लेना है, इससे छोटा ये लेना है। तो फिर ए प्लस बी क्या है, माइनस पांच प्लस में माइनस चार बड़ा होगा बोल रहा है माइनस तीन से, तो ये माइनस पांच जोड़ माइनस चार यानी माइनस नौ बड़ा होगा माइनस तीन से, बड़ा नहीं होगा क्योंकि छोटा होगा, तो इसीलिए ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है बोल रहा है, ये तीसरा नंबर चेक किए, ये चौथा बोल रहा है ए इंटू सी बड़ा होगा ए इंटू बी से, तो ए इंटू सी डायरेक्ट देखते हैं, ए गुना सी माइनस पांच गुना माइनस तीन यानी कि प्लस 15 बोल रहा है छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा बोल रहा है, ये बड़ा होगा ए इंटू बी, तो ए इंटू बी माइनस पांच गुने माइनस चार यानी प्लस 20, 20 से बड़ा नहीं है, यानी ये भी गलत, यानी आपका यही उत्तर सही होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है सीटेट में, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है, आप सोच सके। देखिए मैथ्स के बगैर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया या और कोई भी सब्जेक्ट का लीजिएगा, आप अगर उसमें थोड़ा सा जैसे पेडागोजी और साइकोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लग रहा है आपको कि अच्छा ये होगा या ये होगा, पता नहीं चल पाता है कभी कभी, वैसा बहुत सारा प्रश्न होता है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो चूंकि निगेटिव मार्किंग देखते हैं कि नहीं रहता है, इसीलिए क्या करते हैं सब लोग टिक कर लेते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या है, आपको अगर आ रहा है तो पहले से पता है कि नहीं, ये 100% ये बनेगा ही बनेगा, पहले ही पता हो जाता है कि मतलब ये सही है कि गलती है, उसमें अंदाज से मारने का चांस ही नहीं होता है अगर मैथ्स पे आपका कमांड है तो, क्योंकि जब बनेगा तो वो सही ही बनेगा, उसमें कंफ्यूजन का बात नहीं। लेकिन और साइकोलॉजी हो गया, पेडागोजी हो गया, उसमें क्या होता है कंफ्यूजन का थोड़ा सा संभावना रहता है, तो इसीलिए मैथ्स में इसको रखा कीजिए। और वैसे भी केवल सीटेट पास पास कर लेने से नहीं, आगे का जो भी एग्जाम होगा, KBS हो गया, NBS हो गया, DSSSB हो गया, कोई भी एग्जाम जाइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको एग्जाम देना होगा, और ये बिना मैथ्स के आप नहीं सोच सकते हैं। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का पूछता है, वो भी 1 to 5 वाले में पूछता है।